हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369. और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज. लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है. तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो. जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके. मेल, फीमेल, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है. तो अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को. ओके, सो अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार और मेरे साथ प्रे कीजिए. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है. ओके, सो सबसे पहले जो आपके लिए एनर्जी निकल कर आ रही है गाइज वॉज ओके, जस्टिस. सबसे पहले जस्टिस की एनर्जी है. नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, ओके, दिस इज 5 of Pentacles, द फूल, किंग ऑफ वैंड्स. Three of Cups and the last card we have is Strength. Okay, so maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके zodiac signs Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces होने के chances बहुत strongly यहाँ पर नजर आ रहे हैं. सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है. शोज के जस्टिस होने वाला है, ठीक है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है. जो आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, यह जस्टिस की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है. लेट्स चेक आउट कैसे और क्यों. क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है. आउटसाइड, ओके, मुझे यहाँ पर आप काफी डिफेंसिव एनर्जी में दिख रहे हो. ओके, जस्टिस की एनर्जी को आउटसाइडर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, जो कि बता रहा है कि आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो. आपके पार्टनर को ऐसा ही फील हो रहा है आपको लेकर कि अब ना आपने अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है, आपने अपने दिल में मतलब ताला लगा लिया और जैसे उनको आने नहीं देना चाहते हो, ठीक है. और ये जो आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है ना अपने आसपास, उन्हें लग रहा है कि यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है. आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हो, ओके, और उन्हें लग रहा है कि यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं. उन्हें लगता है कि आप जो हो आप अब किसी को भी इतने क्लोज नहीं आने देना चाहते हो कि कोई भी अब आकर आपको हर्ट कर जाए, आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर जाए. एंड आप अब किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के लिए अपने आप को रेडी नहीं समझ रहे हो, यानी यू आर नॉट रेडी कि अब आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाओ. ओके, आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप किसी और के साथ अब रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हो. आप ज़्यादा फोकस अपने करियर, अपने अपनी फैमिली की तरफ आप ज़्यादा फोकस रहना चाहते हो. तो आपके पार्टनर लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हो और अब आप उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते हो. आप उन्हें पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो. आप उन्हें आप मतलब उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हो. और उन्हें लगता है कि अगर वो आपको ऐसे मोमेंट पर अगर वो आपको अप्रोच करेंगे ना, तो आप शायद उनकी उनको सुनना भी नहीं चाहोगे. आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अपने पार्टनर को लेकर, जहाँ पर आप उनको मतलब यकीन नहीं करते हो. अगर वो आकर आपको बताएंगे भी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं या फिर उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो आप यकीन नहीं करने वाले हो, बिकॉज अब आपके दिल में ट्रस्ट इश्यूज हैं और अब आपने बाउंड्री सेट कर ली है अपनी. बट वट आई बिलीव कि यस, अगर आपने बाउंड्री सेट कर ली है इट्स गुड ना, ठीक है. उन्हें भी आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करना चाहिए, है ना.
सो मुझे ऐसा लगता है कि या इट इज गुड अगर आपने बाउंड्री सेट कर ली. अब आप अगर वो अब आपको देख रहे हैं ना, यू आर अ पर्सन जो कि अब इजिली मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, आप उन लोगों में से हो जब जिसके सामने अब आपको इन्फ्लुएंस नहीं करा जा सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं करा जा सकता, या अब आपके सामने झूठ नहीं बोला जा सकता. ठीक है, पहले आप मैनिपुलेट हो जाते थे, आप डोमिनेट हो जाते थे, आप कंट्रोल भी कर लेते थे आपके पार्टनर आपको, बट दैट डजन मीन कि आप स्ट्रांग नहीं हो. आप स्ट्रांग पहले भी थे और अभी भी स्ट्रांग हो, बस तब आप उनसे बहुत प्यार करते थे और शायद इतना प्यार करते थे कि आप उनकी हर बात पर यकीन कर लेते थे, है ना, हर समय उनके लिए अवेलेबल रहते थे. बट नाउ आपको रियलिटी पता लग गई है, तो यस अब आपको अगर वो देख रहे हैं तो यू आर वेरी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन. आपके अंदर बोल्डनेस आई है, आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस वो देख पा रहे हैं. क्वीन ऑफ वैंड उस स्ट्रांगनेस को ही दिखा रही है. क्वीन ऑफ वैंड को चेंज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है. लुक किस तरीके से चीजें मतलब कार्ड्स दिखा देते हैं, मैं कई बार खुद सरप्राइज हो जाती हूँ अपनी रीडिंग्स में. लुक एट हियर, मैं जो चीज बोल रही थी वही चीज सेम यहाँ पर निकल कर आई है. क्या आप इतना ज्यादा स्ट्रांग, ब्यूटिफुल, इतना पावरफुल चेंज आपके पार्टनर आप में देख रहे हैं कि वो लिटरली मतलब सरप्राइज्ड हैं, या उनको शॉक्ड कह लीजिए, वो शॉक्ड है मे बी इस चेंज से. उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि आपके अंदर इतना बदलाव आ सकता है. ठीक है, और इतना बदलाव अगर आया भी है तो कैसे इतना बदलाव आपके अंदर आ गया, है ना, और इस बदलाव का कारण क्या है, इस बदलाव का रीजन क्या है. कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या किसी को आपने जगह दे दी अपने दिल में, उनको ऐसा लग रहा है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रियलिटी में ऐसा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी और को जगह दे दी अब अपने दिल में, अब आप उनको भूलना चाहते हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये चेंज उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्ट भी कर रहा है लेकिन उनको पसंद भी नहीं आ रहा है. ठीक है, उनको परेशान भी कर रहा है. तो मुझे दिख रहा है कि ये दोनों ही फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, जहां पर वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं, आपकी इग्नोरेंस से अट्रैक्टेड हैं, लेकिन परेशान भी हैं क्योंकि आपके अंदर बदलाव आ गया है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग चेंज आ गया है ना, आप उन्हें अवॉइड कर रहे हो, तो ये परेशान भी है उस चीज से. पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रहा है. ओके, हार्मनी, हार्मनी की एनर्जी पेज ऑफ वैंड को क्लैरिफाई कर रही है. ये पर्सन मुझे काफी हद तक इमेच्योर नजर आ रहे हैं. इनके अंदर बिल्कुल भी पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है आपके पार्टनर की लाइफ में, सुकून नहीं मिल रहा है इनको. इनको लगता है कि आप इनका सुकून हो. हो सकता है इनके पास सब कुछ है, अच्छे पैसे, अच्छी सब कुछ बहुत अच्छा है इनकी लाइफ में, बट कहीं ना कहीं जो आप इनके साथ नहीं हो, इनकी लाइफ में नहीं हो ना, इनको लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ मिसिंग है, सुकून नहीं है इनकी जिंदगी में, और वो सुकून आप हो और ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि इन्हें आपके पास आने से पीस मिलता है, अपनापन मिलता है, सुकून मिलता है. आपका प्यार, आपकी केयर ही इनको आपकी तरफ जैसे खींच कर ला रहा हूँ, ये उस तरीके की एनर्जी है. ये हार्मनी लेकर आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में कॉपरेट करना चाहते हूँ जैसे आपके साथ, आपके पार्टनर उस एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहे हैं. काफी मेच्योरिटी आ चुकी है आपके पार्टनर में. ठीक है, अभी तक ये बहुत इमेच्योर एक्शन रहे हैं, इम्पल्सिव एक्शन रहे हैं आपके पार्टनर के, जहां पर इम्पल्सिव होकर ये कोई भी डिसीजन कुछ भी कर रहे थे, कुछ भी कह देते थे. इन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी कि आप हर्ट हो जाओगे या आप परेशान होंगे उन चीजों से, नहीं, इनके एक्शन इम्पल्सिव थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे आपके पार्टनर. बट नाउ उनके अंदर पेशेंस आ रहा है, मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आ रही है, और वो अगर आपकी तरफ आगे बढ़ना भी चाहते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, बहुत सोच समझ कर आगे आना चाहते हैं. प्लान्ड एक्शंस होंगे. अगर आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शंस भी देखे जाना, तो यस, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन भी प्लान्ड होंगे. फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है कॉम्प्रोमाइज. ओके, सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन हो सकता है कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का, एडजस्ट करने का एक सुझाव आपके सामने रख सकते हैं. मुझे यहाँ पर दिख रहा है जहां पर ये पर्सन आएंगे और आपसे ये कह सकते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, ये अपनी सिचुएशन, अपनी हालत, अपने सर्कमस्टांसेस हो सकता है कि आपको समझाने की, आपको बताने की पूरी कोशिश करें और आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, एडजस्ट करो, है ना. तो वो चीज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पर मुझे लगता है कि नहीं, आपको इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. आप जो चीज चाहते हो ना लाइफ में, अगर आपको वो चाहिए, तो बिल्कुल फिर आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लाइक एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपके पार्टनर किसी और से मैरिड है, कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में,
है ना, तो वो हो सकता है कि आपसे आकर कहें कि थोड़ा सा मैं और वेट करूं, मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगा, या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि ये पर्सन के पास हर चीज के बहुत रीजंस हैं। ओके, ये पर्सन अभी भी आकर हो सकता है कोशिश करेंगे आपको मैनिपुलेट करने की, हो सकता है ये पर्सन अभी भी आकर कोशिश करें आपसे झूठ बोलने की। ओके, तो यस, मुझे लगता है कि यस, ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने का या आपको एडजस्ट करने का सुझाव इसलिए देंगे क्योंकि क्योंकि ये पर्सन अभी भी अपने लेसन्स को पूरे तरीके से नहीं सीखे हैं, और अगर आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लोगे या एडजस्ट कर लोगे ना, तो मुझे लगता है कि नहीं, तो भी ये पर्सन अपने लेसन्स को पूरे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। ओके, आपको इन्हें पूरा अपने लेसन्स को कंप्लीट करने देना चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी इनको कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं वो चीजें ये पर्सन अपने कंप्लीट कर सकें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये पर्सन अगर अभी भी आएंगे ना, तो अभी भी ये आपको मैनिपुलेट करेंगे, बट आपको इनकी बातों में नहीं आना है। ओके, आप जो चीज चाहते हो, आप अगर कमिटमेंट चाहते हो, आप अगर इनसे शादी करना चाहते हो ना, आपको वो चीज कहीं हद तक, उस चीज पर आपको स्टेबल रहना, एक स्टेबिलिटी उस चीज को लेकर लेकर आनी है आपने अपने अंदर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है विद लेटिंग गो। आप जो इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, आप जिस तरीके से इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, इनसे बात नहीं कर रहे हो, ये चीज आपके पार्टनर को ना लाइक बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उन्हें लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने ना ये कभी भी आपके साथ एक्सपेक्ट नहीं करा था, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि आप उन्हें कभी साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हो या कभी उनसे बात करे बिना रह सकते हो। उन्हें लगा था कि आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहोगे, हमेशा उनसे बात करते रहोगे, और हमेशा वो जितना मर्जी आपको वेट करवा लें आप वेट करोगे, जितना मर्जी आपकी इंसल्ट कर लें आप सब चीज़ सहलोगे, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर को के साथ जो भी ये चीज़ें हो रही है ना, ये चीज़ें कहीं हद तक अनएक्सपेक्टेड है उनके लिए। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था आपके आपके एक्शंस में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आपके पार्टनर ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। तो मुझे लग रहा है कि जो भी ये साइलेंट ट्रीटमेंट आप उन्हें दे रहे हो ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये पर्सन आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, ये रियूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट ना उनकी ईगो को भी चोट पहुंचा रही है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ईगो, उनकी प्राइड को भी कहीं हद तक चोट पहुंच रही है उससे, उनकी ईगो, उनकी प्राइड टूट रही है। एंड यू नो यू आर वेरी पावरफुल, आप उन पावरफुल लोगों में से हो जो, सही वर्ड्स में अगर कहूं, जो इनको ना सीधा कर सकते हो, ठीक है, जो इनको इनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हो, जो इनकी ईगो को, इनकी प्राइड को तोड़ सकते हो, आप उन पावरफुल लोगों में हो। आप जब तक सह रहे थे आप सह रहे थे, लेकिन अब जब आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो ना, तो आप सिर्फ अपने लिए स्टैंड अब ले रहे हो। ओके, आप उन पावरफुल लोगों में हो, सो ऑल आई कैन सी यू आर वेरी स्ट्रांग। वो तो आप इनके सामने सिर्फ इसलिए कमजोर थे या इनके सामने सिर्फ इसलिए एडजस्ट कर लेते थे, कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, क्योंकि ये पर्सन जो है इनसे आप प्यार करते थे। बट नाउ आपने डिसाइड कर लिया है, आप एक स्ट्रांग एनर्जीज में नजर आ रहे हो, जहां पर आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप सिर्फ अपने लिए स्टैंड लोगे, आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, अपनी खुशियों के बारे में सोचोगे। और जब आपके अंदर ये सेल्फ लव आ रहा है ना, जैसे जैसे ये सेल्फ लव आ रहा है, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर वैसे वैसे आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील करेंगे। देखना, आप अपने अंदर सेल्फ लव लेकर आओ, इनर वर्क करो, ज्यादा से ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, योगा, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें आपके अंदर ना सेल्फ लव इंक्रीज कर देती हैं। किंग ऑफ वैन, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें किंग ऑफ वैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रहे हैं। किंग ऑफ वैन को क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्शियसनेस। मे बी आपका थर्ड आई चक्रा बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपके इंट्यूशंस, आपकी गट फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और अब आप अपनी इंट्यूशंस की सुनते हुए नजर आ रहे हो। यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो, आप जैसे ही सिचुएशन है ना, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, अब आप वैसे ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। आपके अंदर मुझे श्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिख रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये पर्सन वापस आएगा, और ये जो आपका श्योरिटी है ना, ये जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, मे बी या तो आपने कुछ मैनिफेस्ट करा है, मे बी आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, इसलिए आपके अंदर ये श्योरिटी और कॉन्फिडेंस आया है। और ये जो आपके अंदर आप श्योर हो ना, और जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो, ये भी एक पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन है, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन तो वापस आएगा ही आएगा। मैं देख पा रही हूँ कि इट्स विजिबल
दैट यू आर लाइक 100% श्योर कि ये पर्सन वापस आएगा, और यही चीज उनको आपकी तरफ खींच कर ला रही है। अब आपके अंदर इस चीज का फियर नहीं है, अब आपके अंदर इस चीज का स्ट्रेस नहीं है कि ये पर्सन को आप खो दोगे या ये पर्सन आपसे दूर चला जाएगा, तो आप उस फियरफुल एनर्जी से बाहर आ चुके हो। यू आर नाउ इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। थ्री ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है अलोननेस, विच शोज कि ये पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। ऐसा पॉसिबल है कि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपसे बात बंद कर दी, अचानक से बात बंद कर दी, आपको गोस्ट कर दिया। तो ये पर्सन उस समय किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, ये पर्सन उस समय किसी और ने या तो आपके पार्टनर को उस समय मैनिपुलेट करा था, उनका माइंड वॉश करा था, ये ऐसी किसी और के इन्फ्लुएंस में थे, और वो जो भी लोग हैं ना आज वो भी इनके साथ नहीं खड़े हुए, ठीक है। आज उन्हें कोई फर्क, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा जिन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा ना, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि आपके पार्टनर दुखी हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा इस चीज से। आपके पार्टनर आज भी अकेले हैं, जिन लोगों के सहारे इन्होंने आपको छोड़ा था ना, आज वो लोग भी इनको सहारा नहीं दे रहे, वो लोग भी इनके लिए स्टैंड नहीं ले रहे, इनके साथ नहीं खड़े हुए। तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर एक अलोननेस की एनर्जी में है, जहाँ ये बिल्कुल अकेले हैं, अकेलेपन में है, ओके, और आपको बहुत याद कर रहे हैं। इस मोमेंट पर ये पर्सन आपसे इमोशनल सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, लेकिन आपका क्या, जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए था, जब आपके लिए ने इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए था, तब ये पर्सन आपके लिए तो इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। स्ट्रेंथ, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है रिसेप्टिविटी। आपके पार्टनर में वो स्ट्रेंथ, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होते हुए मैं देख रही हूँ कि अब वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी तक उनके अंदर हिचकिचाहट थी, वो पर्सन यही सोचते थे कि कैसे आपसे बात करें या किस तरीके से आपसे बात करें, इतना गलत तो वो आपके साथ करके गए हैं तो कैसे आपको फेस करेंगे। लेकिन अब मैं धीरे धीरे देख रही हूँ कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पर्सन अब आपसे बात करना चाहते हैं। इनके अंदर वो स्ट्रेंथ में देख रही हूँ डेवलप होते हुए, वो करेज डेवलप होते हुए आपके पार्टनर में देख रही हूँ। वो भी अब इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं और कम बैक करना चाहते हैं जैसे आपके लाइफ में। सो इट्स एन एनर्जी ऑफ रिसीविंग, रिसीविंग की एनर्जी है यहाँ पर, ओके। सो यस, ये पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आपसे बात कर सकें। चलो लेट्स चेक आउट मोर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले इट्स नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, द मून, सिक्स ऑफ वैंड्स, द हैंग्ड मैन, टू ऑफ कप्स, दिस इज नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम इज फोर ऑफ सोल्स। मैं देख रही हूँ इनके अंदर ना बहुत गिल्ट है, बहुत ज्यादा पछतावा है जो भी आपके साथ करके गए हैं ना उन चीजों का। आज ये पर्सन अपने मिस्टेक्स को स्ट्रांगली रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके अंदर एक रियलाइजेशन, एक अवेकनिंग आ रही है कि इन्होंने जो भी, जैसे भी आपके साथ करा ना, वो सब कुछ कितना गलत था। मे बी ये बहुत कुछ आपको कहकर गए, आपको कहकर गए कि इन्हें कॉल ना करें, उन्हें कभी मैसेज ना करें, उनसे कभी बात ना करें, है ना, उनको चेज ना करें। हो सकता है ये सब चीजें उन्होंने आपसे कही हूं और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो खुद तो ये रास्ता बंद करके गए हैं, खुद तो इस रास्ते को उन्होंने बंद करा है ना। हो सकता है इस पर्सन ने आपकी बहुत इंसल्ट करी, बहुत ज्यादा झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आप दोनों के बीच में, और अब उन्हें पछतावा हो रहा है कि काश उन्होंने आपसे ये आर्ग्यूमेंट करी ही नहीं होती, या अगर आर्ग्यूमेंट हुई भी थी तो शुरू में वो आपसे बात कर सकते थे। शुरुआती अगर आर्ग्यूमेंट हुई है तो लाइक विद इन वन डे, विद इन टू डेज अगर वो आपसे बात कर लेते तो शायद तब सिचुएशन कुछ और होती, लेकिन अब आप दोनों के बीच में एक गैप आ गया है, अब आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है, जहां पर आप दोनों के बीच में 1 week, 2 week या कुछ लोगों के बीच में तो 2 months या 2 years तक का गैप भी हो सकता है जब से आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हुई है। और अब आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा हिचकिचाहट आ रही है कि इतने लंबे गैप के बाद वो आपसे कैसे बात करेंगे, और अगर बात करेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे।
है ना। सो उस एनर्जी में भी आपके पार्टनर हैं जहां पर उन्हें लगता है कि काश उन्होंने शुरू में ही आपसे बात कर ली होती, काश तभी उन्होंने आपसे बात करना बंद ना करा होता। तो उनके अंदर वो काश वाली एनर्जी है, रिग्रेट है इस चीज को कि काश उन्होंने ये करा होता या काश उन्होंने ये नहीं करा होता, इस तरीके का रिग्रेट, इस तरीके की एनर्जी मैं आपके पार्टनर के अंदर देख रही हूँ। ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं जो भी मिस्टेक्स ये करके आए हैं, इन्होंने आपको बहुत हर्ट करा, आपको बहुत तकलीफ दी, आपके लिए कभी इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, इवन दो कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी इस पर्सन ने फुल नहीं करा। बेसिक से बेसिक चीज होती है ना कि आपको वक्त देना, आपकी केयर करना, ये पर्सन वो भी आपके लिए नहीं कर पाए और आज उसी चीज का रिग्रेट आपके पार्टनर को हो रहा है, आज वही मिस्टेक्स आपके पार्टनर रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप उनकी एनर्जीज देखोगे ना, इट इज एन एनर्जी ऑफ टू ऑफ कप्स, जहां पर आपके पार्टनर जो हैं उन्हें एहसास हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्रू लव हो, और अगर आप अगर उन्हें नहीं, आपको वो खोना नहीं चाहते हैं, लिटरली ये पर्सन डजंट वांट्स टू लूज यू, ये बिल्कुल भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनका गॉड गिफ्ट हो, भगवान ने उन्हें आपके रूप में सच्चा प्यार दिया है, और अगर वो आपको खो दिया उन्होंने तो शायद वो उस गॉड गिफ्ट को खो देंगे, है ना, जिसको वो खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यस, वो आपको अपने ट्विन फ्लेम, अपने सोलमेट की एनर्जीज में देख रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं और क्या एनर्जीज निकल कर आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है हीलिंग, मे बी योर पार्टनर नीड्स हीलिंग, उनको हीलिंग की जरूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी हैव एनर्जी ऑफ फियर, रोल द डाइस, लिक्विड करेज, गोस्टेड, लीगल मैटर्स, रोमांटिक फीलिंग्स एंड या ट्रिप। मे बी ये पर्सन आपके सामने कुछ रिवील करना चाहते हैं, कोई ट्रुथ आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, ठीक है, कभी कोई चीज, कोई झूठ आपसे बोला हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, कि आपके पार्टनर ना गलत थे, ठीक है, और जब आपने उन्हें बताया ना कि उनकी गलती क्या है, तो उन्होंने उस गलती को भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, वो उस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे बल्कि डिनाय कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा था उन्हें या इस चीज के लिए उन्हें पकड़ा था कि वो एक मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, और आपने उन्हें वो चीजें बताई, वो चीजें उन्हें दिखाई, ठीक है, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने उन चीजों को डिनाय करा, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ घूम रहे थे एंड आपने उन्हें देख लिया, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, और आपने उनसे पूछा, आपने उनसे क्वेश्चनिंग करी उन चीजों के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने उस समय उन चीजों को डिनाय करा, उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करा। ये एक एग्जाम्पल था, बल्कि ऐसा बहुत बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर आपके पार्टनर ने उन चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं करा, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करा, बल्कि अपनी गलतियों को भी डिनाय करा है। बट नाउ वो आपके सामने जैसे ट्रुथ लेकर आना चाहते हैं, अगर उन्होंने अपनी गलतियों को डिनाय करा है तो अब मैं देख रही हूँ कि वो अपनी गलतियों को अब एक्सेप्ट कर आगे आपकी तरफ आना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं, ठीक है, कि वो गलत थे। ये पर्सन मुझे कन्फेस करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ, इन्होंने गलती करी है, ये एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये गलत हैं और इनकी ये मिस्टेक्स हैं, ये अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रभाव ही यही होता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना, है ना। जहां पर इस पर्सन ने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लिया, वहीं पर एनर्जी स्टार्ट हो जाती है जहां पर ये पर्सन अपने आप को सुधारना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। तो यस, मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, अपने अंदर अब बहुत तरीके के बदलाव लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो आपके अंदर से जो फियर था ना, वो खत्म हो गया है। मे बी आपके अंदर जो एक फियर था कि आप इनको खो दोगे, आप इनसे दूर हो जाओगे, तो वो फियर आपने लूज करा है। अब किसी तरीके का फियर आपके अंदर नहीं है, और आपके पार्टनर के अंदर भी अगर ये फियर था ना कि वो आपको अप्रोच करेंगे, तो आपके रिस्पॉन्स
नेगेटिव होंगे, गलत होंगे, आप उन्हें इग्नोर करोगे, आप उनकी ईगो को हर्ट करोगे। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर से भी वो फियर अब लूज हो रहा है, खत्म हो रहा है, वो अपने फियर को भी ओवरकम कर कर जैसे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं और एक टेक अ चांस यानी एक और चांस वो लेना चाहते हैं आपसे बात करने का। यानी अगर पास्ट में कभी ऐसा हुआ है ना कि उन्होंने आपसे बात करी हूँ और आपने आपने रिप्लाई नहीं दिया, आपने बल्कि उन्हें इग्नोर करा, है ना, उन्होंने कॉल करी हूँ आपने कॉल पिक नहीं करी, उन्होंने मैसेज करा आपने मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है, तो पास्ट में मे बी आपकी तरफ से उन्हें कुछ नेगेटिव रिप्लाई हो सकता है कि मिला हो, है ना। लेकिन अब क्या आपके पार्टनर चाहते हैं, वो एक और चांस चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, उन्हें लगता है कि एक और बार ट्राई करना चाहिए, एक और बार कोशिश करनी चाहिए आपसे बात करने की। अगर आपके दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं तो भी मैं देख रही हूँ ऐसी एनर्जी जहां पर आपके पार्टनर अपनी, अगर उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही थी इस शादी के लिए, ठीक है, तो आपके पार्टनर एक और चांस चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली को फिर से मनाए, फिर से उन्हें एग्री करें कि वो आपकी शादी उनसे करवाएं, क्योंकि आप उनकी सच्ची हैप्पीनेस हो, आप उनकी सच्ची खुशी हो। तो ये पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर ये पर्सन टेक अ चांस करना चाहते हैं, एक और मौका चाहते हैं, एक और बार कोशिश करना चाहते हैं, एक और बार चीज़ों को बेहतर बनाना चाहते हैं, ओके। और ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, चाहे इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, हर जगह से ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, बट नाउ ये पर्सन एक और मौका चाहते हैं, एक और बार कोशिश करना चाहते हैं, ये पर्सन उसी एनर्जी में ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। फिलहाल काफी रोमांटिक फीलिंग है आपके पार्टनर की। ओके, लेट्स चेक सम लव मैसेजेस। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर की तरफ से। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ और फिर से मेरे साथ जुड़ जाओ, जैसे वो आपको ये कहना चाहते हो, वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको टच करना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू टच यू। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि यस, कुछ लोग हैं जो आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, ठीक है, और वो उन सब लोगों को लेट गो करना चाहते हो। आई मिस यू, आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि जैसे वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो आपकी तरफ से कोई फर्स्ट अप्रोच का वेट कर रहे हो, वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझो और उनका साथ दो। क्या आप उन्हें सच में एक्सेप्ट करोगे? एंड लास्ट कार्ड वी हैव इज आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। ये बहुत अधूरा महसूस कर रहे हैं आपके बिना, बहुत इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके पार्टनर जैसे आपके बिना, उस एनर्जी में है, राइट? सो ये कुछ आज आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। कैसी लगी गाइज ये रीडिंग, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, क्लेम करें इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।